મને કોઈ અણસાર નતો, એ તો તમને બધાને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે મને અણસાર હતો કે નહીં. ગઈકાલે કે સવારે તમને કોઈ ઇન્ડિકેશન આવ્યું હતું? પાર્ટીની એ પદ્ધતિ જ નથી, એટલે પાર્ટી જયારે કે ત્યારે જ ખબર પડે, કોઈને બી ખબર ત્યારે જ પડતી હોય. અગલે સાલ વિધાનસભા ચુનાવ હે, ઇસ ચુનૌતી કો કિસ તરીકે સે દેખતે હે, ઓર ક્યા આપકે હી નેતૃત્વ મે અબ યહાં પર આગે ચુનાવ મે બીજેપી જાયે? ગુજરાતી માં મેરા ગુજરાતી ભારતીય જનતા પાર્ટી એ ફક્ત ઇલેક્શન લક્ષી કામ કરવા ટેવાયેલી પાર્ટી નથી, એ હર હંમેશ રોજ બરોજ ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેકે દરેક કાર્યકર્તા પ્રજા વચ્ચે રહી અને કામ કરતો રહ્યો છે અને કરતો રહેવાનો છે. ક્યારે તમે શપથ લો છો? શપથ ક્યારે લો છો? આવતીકાલે. મારો આજે સાંજે 6 વાગે મળવા જવાના. મારો પ્રશ્ન પ્રદેશ પ્રમુખ સાહેબ ને છે, ગુજરાતમાં સીએમ પછી ડેપ્યુટી સીએમ ની પોસ્ટ વિશે આ બેઠકમાં કોઈ ચર્ચા થઈ છે કે કેમ? નથી થઈ. થવાની છે ચર્ચા જ ના થયા પછી હવે કેવી રીતે નિર્ણય થશે, કેવી રીતે કહી શકાય? અત્યારના મંત્રીમંડળમાં કોઈ ફેરફાર તમારે કરવાનો છે કે? એક મિનિટ, અત્યારે જે મંત્રીમંડળ છે એમાં તમે ફેરફાર કરી રહ્યા છો? સ્પીકર નો ઉપયોગ કરો, કારણ કે નથી સંભળાતું. જે કોઈ નવું મંત્રીમંડળ બનશે એ સરકારનો વિષય છે, સંગઠન સાથે ચર્ચા કરીને જે સિનિયર આગેવાનો છે એમને સરકારમાં તક મળે એના માટે પ્રયત્ન કરશું. અને જે કંઈ ફેરફારો થશે અથવા જે નવું મંત્રીમંડળ રચાશે એની માહિતી આપણને જલ્દીથી મળશે. પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરતે હુએ ઓર યહાં ખુદ અપની બાત રખી હૈ भूपेंद्र पटेल ने, उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया है, इसका आभार, और प्रदेश के विकास के लिए आगे काम करते रहेंगे. हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं. ब्रजेश जी, जिस तरह से आपने लंबे वक्त तक गुजरात के सियासी घटनाक्रम को देखा है, भूपेंद्र पटेल का अब चयन होना नए मुख्यमंत्री के तौर पर किस तरह के भविष्य के संकेत कहता है? देखिए प्रशांत, भूपेंद्र पटेल का चयन इस बात का साफ तौर पर संकेत है कि जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, और जाहिर है अगर हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वह जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, तो इनका संपूर्ण भरोसा जो है भूपेंद्र पटेल की तरफ है. भूपेंद्र पटेल की बैकग्राउंड अगर मैं थोड़ा बता दूं तो उससे अंदाजा लग जाएगा. भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद से ही राजनीति उनकी शुरू हुई है, और वो जो है पहले कॉर्पोरेटर रहे, फिर अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके चेयरमैन भी बनाए गए. भूपेंद्र पटेल जिस घाटलोडिया सीट से चुनाव लड़ते हैं वह सीट जो अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनकी अपनी जो एक समय की विधानसभा की सीट होती थी सरखेज, उसका हिस्सा हुआ करती थी, और बतौर कॉर्पोरेटर जो है उन्होंने काफी उनके साथ क्लोजली काम भी किया. तो अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी अगर आप देखें, इन दोनों का जो है सो कंप्लीट जो है सो भरोसा है, और पाटीदार कमेटी, और उसमें भी अगर आप पाटीदार कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दें, लेउआ और कड़वा, तो अभी तक गुजरात की सियासत में जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हुए हैं वो भी खासतौर पे पाटीदार समुदाय से, वह जो है सो लेउआ से रहे. जैसे कि आप केशुभाई पटेल की बात कर लें, केशुभाई पटेल जो है सो लेउआ पाटीदार समुदाय से आते थे. आनंदीबेन पटेल जो है सो वो लेउआ पाटीदार समुदाय से आती थी. पहली बार हो रहा है कि कड़वा पाटीदार समुदाय का कोई व्यक्ति जो है गुजरात में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी की तरफ बिठाया गया है, और ये जो सो एक अगर गुजरात की पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कड़वा पाटीदार कम्युनिटी जो कि खासतौर पर नॉर्थ गुजरात में काफी डोमिनेंट है, और सौराष्ट्र के भी कई हिस्सों में है, जैसे कि अमरेली में है या फिर जो सो राजकोट रूरल में है, लेकिन नॉर्थ गुजरात की यह कम्युनिटी काफी डोमिनेंट है, तो एक बड़ा मैसेज आएगा. साथ में आप एक देखिए बैलेंसिंग एक्ट जो कहते हैं, ऑलरेडी मनसुख मांडविया वह जो से लेउआ पाटीदार समुदाय से आते हैं, केंद्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, तो ऐसे में जो सो बैलेंसिंग एक्ट है कि अगर मान लीजिए एक लेउआ को अगर आपने इतना प्रॉमिनेंस दे रखा है तो फिर आप कड़वा को भी देना पड़ेगा, तो जाहिर है कड़वा पाटीदार समुदाय से भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, तो एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग एक्ट है. दूसरा आप देखें रीजनल रिप्रेजेंटेशन, अभी जो मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ था उसमें दक्षिण गुजरात से जो सो मंत्री बनाए गए, उसमें सेंट्रल से बनाए गए, उसमें सौराष्ट्र से बनाए गए या एलिवेट किए गए, लेकिन नॉर्थ गुजरात का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो नॉर्थ गुजरात से सीधे आपने मुख्यमंत्री बना दिया. तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि गुजरात की जो राजनीति है
पिछले दो दशक से लगातार ये लोग क्लोजली उसको बीजेपी के लिहाज से लीड करते हैं, मॉनिटर करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। उन्होंने ये सोचा कि भूपेंद्र पटेल को आगे रखकर, भूपेंद्र पटेल के साथ कोई बैगेज नहीं है, साफ सुथरी छवि है, पहली बार जो है सो आप ध्यान रखें कि सीधे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप ध्यान रखें कि आज से 20 साल पहले जो है नरेंद्र मोदी सीधे मुख्यमंत्री बने थे, वो अभी पहले मंत्री नहीं रहे थे, वो तो खैर कोई कॉर्पोरेशन का भी चुनाव नहीं लड़े थे। भूपेंद्र पटेल के साथ है कि वह मंत्री नहीं रहे, सीधे मुख्यमंत्री बन रहे, तो सरकार में उनका कोई बैगेज नहीं है, कोई उनका एक तरह से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो एक तो पाटीदार समुदाय, उसमें भी जो है सो कड़वा पाटीदार, दूसरा काफी क्लोजली काम किया भूपेंद्र पटेल। आप ध्यान रखें अहमदाबाद से आते हैं, हमेशा ही अपनी कंस्टिट्यूएंसी जो सरकेज की थी उसके पार्ट हुआ करते थे, बतौर कॉर्पोरेटर काफी नियमित उनका उनके साथ संपर्क भी रहा। तो एक तरह से कह सकते हैं कॉन्फिडेंस जो है वह काफी है जो है सो टॉप लीडरशिप तौर पर, और इसलिए भूपेंद्र पटेल को अल्टीमेटली जो है एक सरप्राइज कैंडिडेट के तौर पर, क्योंकि आप ध्यान रखें कि अभी तक हम बात लगातार कर रहे थे कि भाई मनसुख मांडविया हो जाएंगे, पुरुषोत्तम रूपाला हो जाएंगे, आरसी हो जाएंगे, ये सब नाम चल रहे थे, लेकिन भूपेंद्र पटेल एक नया चेहरा, फ्रेश गार्ड एक तरह से कह सकते हैं, जब ले रही है बीजेपी चुनाव के पहले, तो एक नए चेहरे के साथ आप आए। और ऑब्वियसली जो मेन कैंपेन है, जब 2022 के होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे प्रधानमंत्री, मुख्य जो एक तरह से कैंपेनर के तौर पर, अमित शाह फिर से रणनीतिकार के तौर पर होंगे, और इस तरीके से चुनाव जीता जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कहीं कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत साफ सुथरी रणनीति है, साफ सुथरे चेहरे के साथ जाओ, कड़वा पाटीदार समुदाय जो कि पटेल समुदाय के अंदर का डोमिनेंट हिस्सा है उसको जो है आप रिप्रेजेंटेशन दो, कास्ट एथमेटिक ठीक करो और फिर चुनाव में जाओ। मुझे लगता है बस यही मैसेज है जी। लेकिन अब मुख्यमंत्री का चेहरा तो बदल गया है, चुनाव के लिए भले ही 15 महीने के वक्त बाकी हो, लेकिन जो अब मंत्रिमंडल होगा क्या उसका कुछ रूप रंग बदला दिखाई दे सकता है? देखिए, चूंकि आप विजय रूपानी ने जब इस्तीफा दिया, जाहिर है उसके साथ ही जो उनका मंत्रिमंडल था वो सबका इस्तीफा हो ही गया, तो अब जो है नए सिरे से जब मंत्रिमंडल बनेगा तो आप ध्यान रखें कि चूंकि आपने पाटीदार समुदाय के व्यक्ति को, खासतौर पे कड़वा पाटीदार को जब आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है, तो जाहिर है आपको बैलेंसिंग एक्ट भी करना पड़ेगा, आपको ओबीसी समुदाय की चिंता करनी पड़ेगी, जाहिर है उसमें आपको ठाकुर समुदाय हो गया, फिर आपको कोलियों की चिंता करनी पड़ेगी, आपको ट्राइबल्स की चिंता करनी पड़ेगी, आपको दलित फेसेस भी इस मंत्रिमंडल में उसी हिसाब से डालने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बैलेंसिंग एक्ट होगा उसमें जो है सो आपने एक पाटीदार को बीजेपी ने चूंकि मुख्यमंत्री बना दिया, तो मुझे लगता है कि बाकी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय वगैरह है उसमें जो है सो ओबीसी समुदाय से महत्वपूर्ण चेहरे होंगे, जो है सो कोली समुदाय से महत्वपूर्ण चेहरे होंगे, ट्राइबल फेसेज होंगे, आपको दलित फेसेज होंगे, और साथ में मुझे लगता है कि जो मिक्स होगा कुछ नए चेहरों को तरजीह मिलेगी, ताकि जो पास्ट का बैगेज उन पर ना रहे, और एक तरह से कह सकते हैं जब चुनाव में जा रहे हो तो कुछ ज्यादा कंट्रोवर्सी ना हो। तो मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का रिजिक भी बहुत साफ तौर पर होगा, चूंकि भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री हैं, नए सिरे से जो मंत्रिमंडल बनेगा नए चेहरों को जगह मिलेगी, जो राजनीतिक समीकरण जो कास्ट के हिसाब से है, सोसाइटी के हिसाब से है, क्लास के हिसाब से है, उसको बीजेपी साधेगी, और मुझे लगता है कि यह सारा रिकैलकुलेशन जो ऑलरेडी वो कर चुके होंगे, और इसी के हिसाब से अगले कुछ दिनों में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल आपके सामने हो। एक बेहद रोचक तस्वीर भी देखने मिली, हम दर्शकों को अपने दिखाते भी हैं वो तस्वीर बार बार, कि किस तरह से जब मंथन चल रहा था नए नाम को लेकर के किस नाम की घोषणा होगी, जब औपचारिक तौर पर ऐलान हुआ तो पंक्ति में कहीं पीछे बैठे हुए थे भूपेंद्र पटेल, वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें हाथ पकड़कर मंच के मुख्य रूप से सेंटर में लाया और तब उनका परिचय करवाया गया, उनका अभिवादन किया गया। ये किस तरह की तस्वीर है, किस तरह का घटनाक्रम इसे माना जा सकता है, जो पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ था उसके नाम की घोषणा होती है और तब उन्हें हाथ पकड़कर मंच के बीचों बीच लाया जाता है? देखिए प्रशांत, इसका बहुत साफ मैसेज है कि अगर आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आप जो अपना काम ढंग से कर रहे हैं तो आपको मौका मिल सकता है। आप ये कोई जरूरी नहीं कि आप 10 बार के एमएलए हो कि 7 बार के हो कि आप पहली बार के एमएलए हो। आप ध्यान रखें भूपेंद्र पटेल वह जो है सो उन्होंने पहला चुनाव ही जो है तब लड़ा जब आनंदीबेन पटेल ने गाडलोडिया की सीट खाली की। तो आप जो है सो आप ध्यान रखिए कि भूपेंद्र पटेल जो है कभी मंत्री नहीं रहे, उसके पहले वो कॉर्पोरेटर रहे हैं, खासतौर पे आप जो है सो जो एरिया जो है आप सरखेज का जो पुराना विधानसभा का इलाका है उसी में से जो है सो कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ते रहे। तो इस तरीके से जो है सरखेज, एक समय मैंने जैसा कहा कि जब पुनर्सीमांकन हुआ था उसके पहले तक वो पूरा पूरा सरखेज का इलाका जो है, आज की जो 3 असेंबली सीट्स हैं जिसमें कि आपको बैजलपुर हो गया, घाटलोडिया हो गया या फिर जो है सो नारायणपुरा हो गया, इन सबको लेकर एक सिंगल कंस्टिट्यूएंसी होती थी। तो बतौर कॉर्पोरेटर जो है भूपेंद्र पटेल उस समय जो है अमित शाह के सहयोगी के तौर पर काम करते थे, फिर ऑडा की उनकी चेयरमैनशिप मिली, विधानसभा का चुनाव पहली बार वो लड़े और अब जाहिर है सीधे मुख्यमंत्री हो गए। तो यह एक बड़ा मैसेज है जो कि पार्टी ने दिया है, जो कि नरेंद्र मोदी ने दिया है, अमित शाह ने दिया है कि अगर आप जो है अपना काम ढंग से करते हैं तो फिर आपको बहुत जोड़ तोड़ में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी आपका खुद ध्यान रखेगी और फिर इसमें हर कोई अपने लिए अवसर तलाश सकता है।
तो मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा संकेत है कि रैकेटिंग, इधर उधर आपको समीकरण बिठाना, अपने लिए लॉबी क्रिएट करना। ध्यान रखिए, कई लोगों ने नितिन पटेल के लिए काफी नारे वारे लगाए थे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली नंबर आया भूपेंद्र पटेल का, जो कि पीछे की सीट पे बैठे हुए थे और सबसे जूनियर जो एक तरह से कह सकते हैं एमएलए में से एक है। और जो बात आप कह रहे हैं यही हम दिन भर कहते भी रहे कि क्या कहीं ऐसा ना हो जिन नामों पर चर्चा हो रही है उससे अलग हटकर बिल्कुल सरप्राइजिंगली एक नया नाम सामने आया, और वैसा ही हुआ भी। भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगी है। 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात, कल इनका शपथ ग्रहण होगा।